Hi, I'm Archana Puran Singh and you're watching the Kapil Sharma Show. So subscribe to Set India and hit the bell icon. Desh bhai, Indra sir, aapka bahut bahut swagat hai. Thank you. Indra sir ko dekh ke mujhe ek badi khoobsurat si shayari jo aaj badi khaas hai, sabse tagdi hai. Oh. Suna do. Oh, please, please. Masti aur dhamal ki ye raat khaas hai. Kya baat. Wah. Laughter King, ye director bada bindaas hai. Yes. Wah. भले ही आपका नाम इंद्र है लेकिन सारी अप्सराएं मेरे पास हैं। और ये हंसा हंसा कर अपनी बातों में फंसा रखा है। लड़कियों ने मोबाइल पर इनका वॉलपेपर सजा रखा है। इनकी मूवीज को देखकर ऐसा लगता है मुझे के रितेश ने मस्ती और धमाल का इंजेक्शन लगा रखा है। क्या बात है। रितेश भाई, इंदु सर, सबसे पहले तो आपको बहुत-बहुत मुबारकबाद। मजेदार ट्रेलर है। थैंक यू। और जितनी धमाल आप लोगों ने की है तो ऑडियंस जो है वो भी बॉक्स ऑफिस में दिखाने वाली है और आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। थैंक यू। थैंक यू सर। इंदु सर, सबसे पहला सवाल आपके लिए कि एक स्टार को फिल्म में संभालना ऑलमोस्ट एक बीवी और एक गर्लफ्रेंड को ऑलमोस्ट साथ में संभालने जैसा होता है। सर, आपने इतने सारे स्टार्स को कैसे मैनेज किया? अरे लेकिन स्टार तो फिल्म में एक ही है। अनिल जी की बात कर रहा हूँ यार। अनिल जी की बात कर रहे हैं यार। यार ये क्लास है भाई। सर, जिस तरीके के आपके डिप्लोमेटिक आंसर है ना, मुझे लग रहा है आने वाले दिनों में आप पॉलिटिक्स में जाने वाले। तो पाजी का क्या होगा? मेरी दुकान बंद। जी सर, तो फिर मतलब देखिए, अच्छी तरह से सबने मिल के काम किया जी एंड मुझे कोई तकलीफ तो नहीं आई जी, और आती तो भी क्या कर लेता। ऐसे ही हंस के फैंटास्टिक माइंड। सबसे ज्यादा मजा है इनको पता है किसके साथ काम करके आया है? जानवरों के साथ। जानवर तो पहले थे ही। जानवर पहले थे, स्टार बाद में आए। मैंने बोला था ये हमारे शो के लिए बने हुए हैं। अच्छा, रितेश भाई ने इतनी सारी फिल्में की हैं जिसमें जैसे अपना सपना मनी मनी में ये चोर बने थे, उसमें बल्फ मास्टर में चोर बने, क्या कूल है हमें अपने बॉस के कपड़े चुरा के पहनते हैं, धमाल में चोरी, एक विलन में चोरी, बैंक चोर में चोरी। मैं आपको एक बात पूछना चाहता हूँ भाई, इंडस्ट्री में आप एक्टर ही बनने आए थे कि चोर बनने आए थे? एक चीज समझ गया मैं इस इंडस्ट्री में, अच्छे रोल्स आसानी से नहीं मिलते, चोरी कर लेनी पड़ती है। बट ये पता क्या क्यों चोरी करता है जी? हाँ, ये पहले चोरी करता है फिर प्रोड्यूसर को देता है, मुझे ले लो। अच्छा, हमें तो ये भी पता चला रितेश भाई कि जो अपने इंदु सर हैं ये इनके साथ ना वो वाली गेम खेलते हैं कि मैं तुम्हें ले लिया, आगे तुम दो लोगों को लाओ, आगे वो दो लोग चार लोगों को लाएंगे तो शाम तक अच्छी न्यूज आएगी। तो रितेश भाई ये इसीलिए इतनी बड़ी कास्ट हो जाती है इनकी, इसमें सच्चाई है कि नहीं? नहीं, इनका राज यही है कि बड़ी कास्ट हो तो कम से कम वो देख लेंगे तो पिक्चर हिट हो जाएगी। इतनी बड़ी स्टार कास्ट जो है इनकी जो होती है इंदु सर की फिल्मों में, तो ये बजट कंट्रोल करने के लिए क्या करते हैं? ये गुजराती दिमाग यूज करते हैं। इज गुजराती ऑल्सो प्राउड ऑफ यू सर? ईरानी, हाफ ईरानी। हाँ जी, वो काफी होता है, आधा गुजराती तो है ना। हाँ, गुजराती आ ही जाता है। गुजराती तो 5% नहीं मान है, वो ही काफी होता है। तो ये क्या करते हैं कि ऐसे जाते हैं अजय सर के पास, जाते हैं बोलते हैं यार ऐसा है कि माधुरी जी काफी पैसे मांग रही हैं, बजट बढ़ गया, आप थोड़ा कम कर लो। माधुरी जी के पास जाते हैं बोलते हैं अजय जी बहुत पैसे मांग रहे हैं, आप पैसे कम कर लो। सर, इसमें कितनी सच्चाई है? ऐसा मैं बोलता हूँ बट कोई सुनता नहीं है। सब कॉलर पकड़ पकड़ के पैसा ले लेते। तो मैं दर्शकों को ये बताना चाहता हूँ कि जिस फिल्म का डायरेक्टर खुद इतना फनी हो उनकी फिल्म कैसी होगी। सर, लव यू सर। सर आइए बैठते हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अच्छा इंदु सर, सर आपकी फिल्मों का बजट ज्यादा नहीं है, जैसे जैसे हमारी रेटिंग आ रही है ना चैनल ने देखो फ्रूट ऐसे से मंगवाए, हमें नाम भी नहीं आते। ये कौन सा फ्रूट है रितेश भाई? हाँ जी, ड्रैगन फ्रूट। ड्रैगन फ्रूट, ड्रैगन फ्रूट। इसको क्या करते हैं, मतलब कैसे खाते हैं इसको? मुंह से खाते हैं, मुंह से।
पर पाजी इसका क्या है, न्यूट्रिशियस वैल्यू क्या है इनकी? नहीं, मैंने कभी खाया नहीं, मैंने सुना है जैसे खाओगे ना ये वैसे ही निकलता है। अच्छा, टोटल धमाल में इतनी बड़ी स्टार कास्ट के अलावा शेर हैं, चीता है, गेंडा है, गोरिल्ला है, सांप भी हैं, तो सर फिल्म का जो सर्टिफिकेट सेंसर बोर्ड से लिया था कि पीटा से? उनसे भी लेना पड़ा। और आपको पता है कि नहीं पता, आप वाइल्ड एनिमल्स इंडिया में शूट नहीं कर पाते हैं। अच्छा, तो हम जो जितने भी एनिमल्स हमने शूट किए हैं वो एक्चुअल है, क्योंकि कल ही कोई मुझे फ़ोन करके बोल रहा था कि आपके एनिमल नकली दिख रहे हैं, तो मैं उसको ले जाना चाहता था जहाँ पे हमने शूट किया है और अंदर बंद कर, अंदर बंद करना चाहता था, तो उसको पता चलता कि असली है या नकली है, तो हमारे बारे में बात कर रहा था। कैसे टोटल धमाल जाएले? हाय सर, कैसे कैसे हो? कैसे आज मैं शपथ खाती है, मैं जो बोलेगी सच बोलेगी, सच के सिवा कुछ भी नहीं बोलेगी। क्यों? क्योंकि अजय सर को झूठ बर्दाश्त नहीं। कैसे इंदु जी, प्रोमो देख ली एकदम मस्त है, मजा आया? अरे सब एनिमल एनिमल लिए ना आप लोग। अच्छा, आपने वो सिद्धू जी का शेर ले लिया, सिद्धू जी को क्यों नहीं लिया? सपना, वो सिद्धू जी का शेर थोड़ी ना था, उन्हीं का है पक्का। कौन सा? जिस हिसाब से वो माधुरी जी के पीछे भाग रहा है, इन्हीं का शेर है वो। कैसे रितेश? बस बिल्कुल ठीक। इतना मजे की लाइफ है ना इनकी, ये हम ही लोग है जो टाइम पास करने के लिए पैदा हुए, सच्ची बताइए। मतलब? मतलब क्या, हम लोग पैसे के लिए कितना काम करते, ये मस्ती करके पैसा कमाते। मस्ती, ग्रैंड मस्ती, हम लोग को तो टाइम नहीं एंजॉय करने का, धमाल करते रहते। धमाल, डबल धमाल, अभी देखो ना टोटल धमाल। तुझे बड़ा पता मस्ती और धमाल के बारे में है? हाँ, तो मेरा डाउ बताते, मेरा नाला सुपर है वाला। कौन कौन? टिंकू। कौन टिंकू? अरे वही पल पल ना माने टिंकू जिया। हाँ। उसको बहुत मनाती रहती, उसका धमाल मस्ती आपका बहुत देखे ला मैं उसके साथ थिएटर में। खैर, मेरे को काम था आपसे। जी। 28 फरवरी को आप मेरे को लगेंगे। क्या? लगेंगे मतलब हमारे उधर ना संगीत है लेडीज लोग का। टिंकू को लेके जाना? अरे नहीं, टिंकू का है को, इनको सिंगिंग के लिए लेके जाने का उधर। नहीं तो तेरा झगड़ा हुआ उसके साथ? हाँ, वो मेरी शादी नहीं ना, स्टेटस का प्रॉब्लम हो गया था, वो मैं स्टेटस डाली ना एंजॉयिंग विद 20 अदर्स, कभी लाइक ही नहीं करता है मेरे स्टेटस। खुद की टिंडे जैसी शक्ल है, मेरी जिंदगी को ब्लॉक करके रखा है उसने। रितेश तो गाना नहीं गाते। क्या बात कर रहा है, तेरे को मालूम नहीं इनका ले भारी है? अरे मैं टीवी में खुद ही देखी, खुद ही बोले ले थे ये कि माजा हाथ भारी लात भारी तुझा मायला सगड़ेत ले भारी ऐसा। कब ना, हमेशा फालतू की बात करती, काम की बात भी कर लिया कर कभी। काम की बात करूं? हाँ सर, यू नो अबाउट ग्लोबल वार्मिंग? घर पे कभी भी स्विच ऐसा एसी वैसी चालू रहता है, स्विच बंद रखने का सर, उससे ग्लोबल वार्मिंग का बहुत अच्छा रहता है। और टैप पानी वानी बंद रखने का, पानी। काम की बात की, कोई हंसा क्या इधर? कोई हंसा नहीं ना, कॉमेडी चलते रहने चाहिए। अच्छा मैं क्या बोल रही सर, अभी ना सर्दी के टाइम में आप किसी से हाथ वात मत मिलाना। क्यों? क्योंकि लोग ऐसा करते, ऐसा करके ना हाथ भी धोते नहीं, अच्छे नहीं लगते। और मैं बड़े बड़े लोग को देख लिया, ऐसा करके ना ऐसा पोंछ देते थे। मैं भी पहले ऐसे ही करते थी, लेकिन अभी नहीं करती। अभी हाथ धोती है? नहीं, दूसरे पे पोंछती, अपना कपड़ा काहे को खराब करती। अपना ऐसे ही रहते। आज करने क्या आई है? अरे मैं एक मिनट आप लोग के लिए गिफ्ट, एक मिनट। सर, वाह, पहली बार तूने ढंग का काम किया, पहली बार किसी को सम्मान किया इसने। सम्मान अम्मान नहीं, मैं शॉल बेचने के लिए आई ली इधर। सम्मान तो इनका होता ही रहता है, बड़े लोग हैं। शॉल का सीजन तो जाने वाला ना? तो जो जाने वाला है वो आने भी तो वाला है ना। तू आया ना एक साल के बाद। <laughs>
मैं है ना इधर लड़की बन के खड़े लिए ना पैसा बहुत बड़ी चीज रहती है क्योंकि क्या है सिद्धू जी पैसा नहीं तो कंगाली और पैसा है तो ठोको ताली अजय सर काश बोल बच्चन के बाद काम दे देते आज शॉल नहीं बेचना पड़ता है लेकिन बोल बच्चन में काम माइंड ब्लोइंग किया था थैंक यू सर इसका भाई था सर सर ये देखिए कॉटन का शॉल है सर ठीक है मुझे ठंड भी लग रही है ये हमारे इधर ये सिल्क का भी शॉल है ये देखिए क्वालिटी देखिए हाँ ठीक है यार हाँ मैं जूट का शॉल नहीं रखती क्यों बोला ना अजय सर को जूट बर्दाश्त नहीं है यार अरे बेवकूफ झूठ मतलब झूठ नहीं झूठ बर्दाश्त नहीं है तो मेरे को पता है मैं हंसने के लिए बोल रही कॉमेडी करने देना काय को टोकते ऐसा बीच बीच में अच्छा नहीं लगता है रितेश सर जी आप जिनेलिया भाभी के लिए दो लेकर जाइए लीजिए बहुत अच्छा है सिद्धू जी तो छह लेकर गए मालूम है क्या बात है भाजी भाभी के लिए शेष और वाह भाभी के लिए नहीं पीछे छह लड़कियां बैठी उनके लिए लिए सपना मेरे को अभी तुमने मसाज का काम छोड़ दिया शॉल पे अरे नहीं सिमरन राज को छोड़ सकती है लेकिन सपना कभी मसाज नहीं छोड़ सकती अजय सर हमारा इधर मसाज पार्लर है आप लोग आइए कभी हम लोग बहुत अच्छा वी हैव न्यू डिटॉक्स मसाज वाओ कैसे करते हैं ये क्या है डिटॉक्स मसाज में कैसा आदमी का हाथ पैर बांध देते और हमारे पास एक स्पेशल कोबरा है उसका ऐसा जवान रहते हैं ना उसको ऐसा टच करते सब जगह ऐसा 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 जितना कचरा रहता है ना आदमी का वो झाग बन के बाहर आता है आदमी रिलैक्स सपना पागल है वो आदमी रिलैक्स नहीं होता मर जाता है सांप के डसने से क्या बात कर रहे ले तो तभी मैं सोचू एक कस्टमर पांच दिन से क्यों रिलैक्स कर रहे हैं अच्छा हमारे इधर मस्ती मसाज बहुत अच्छा रहता है अच्छा हाँ उसमें क्या होता है वो ये बताएंगे इन्होंने सबसे ज्यादा मस्ती की है मैं क्या बताएगी सपना उनको कोई मसाज नहीं करानी जाओ अभी यहाँ से अच्छा मैं पर्सनल बात करेंगे हाँ। आप लोग का प्रोमो देखे लिए मैं उसमें क्या आप लोग ऐसा 50 करोड़ रुपए के पीछे भाग रहे ले ऐसा सब कुछ है ना जी हाँ बहुत अच्छा है वैसे मार्केट में सब लोग को बहुत पसंद आ रहे ले जी थैंक यू अजय सर आपका सब पिक्चर 300-400 करोड़ तो रहते ही आपका भी सब पिक्चर हिट है जी आप देखना बहुत पैसा आने वाला है इस पिक्चर से तो मसाज के लिए आए नहीं मसाज के लिए नहीं मैं ये बोल रही इतना जो आपको पैसा आ रहा है तो मेरे को 1 करोड़ रुपया दो ना जब देखो पैसा मांगती रहती है एक मिनट ये मुझे पता है हमेशा पैसा मांगती रहती है आज दे ही देते हैं दे दो सर मैं लेके आया हूँ आपके पास बहुत है दे दो सर लाओ बैग लाओ क्या बात कर रहे हैं क्या बात कर रहे हैं सर सच्ची में इतने सालों से तो देखो मर गए हम मेहनत करते करते इसमें तो आपका फोटो है कौन से बैंक में डालने के ये तो जावेद भाई और आप लोग का फोटो लगेगा इसमें चलो सर ये तो नकली है ये आपको एडवांस में दिया फिर भी आपने प्यार से दिया है तो मैं रखती है इसको लेकिन जाने से पहले एक बात पूछने का था बोल बच्चन इतना सुपर हिट हुई बाद में क्यों नहीं लिए पिक्चर में आप मेरे बट 100% बात सही है आगे साथ में काम करेंगे क्या बात है बोल डाला अब मैं आपके पीछे लग जाएगी हर शूटिंग पे अगली पिक्चर भी साथ में करेंगे सर इंदू सर की धमाल के बाद डबल धमाल अब टोटल धमाल सर टोटल धमाल जब आता है मतलब टोटल आगे बढ़ तो ऐसे लगता है कि इसके बाद खत्म तो टोटल धमाल के बाद कुछ है इरादा कि धमाल विद इंटरेस्ट टाइप या कुछ ऐसा है अच्छा वो हाँ लेकिन मैं वो इधर स्टेज पे नहीं करना चाहूँगा हम साइड पे चलेंगे और उसके बारे में बात करेंगे साइड पे जाके मतलब क्यों मेरे को लेने का इरादा तो नहीं आपका ऐसा ही मतलब कुछ है दर्शन है हाँ जी तो दर्शकों मैं आपसे यही बताना चाहता था कि मुझे भी फिल्में ऑफर होती हैं ऐसी बात नहीं है
अच्छा इस फिल्म में अजय सर भी को प्रोड्यूसर हैं साथ में। सर आप मर्जी से प्रोड्यूसर बनते हैं कि आपका पेमेंट इतना भारी रहता है कि उनको बनाना पड़ता है साथ में? इस बार इन्होंने मुझे बेवकूफ बना दिया, बोला कि तू प्रोड्यूसर बन जा। अच्छा मैं बन गया, उसके बोलते अब काय के पैसे। ये स्कीम है इनकी, इन्होंने बोला अजय को तू प्रोड्यूसर बन जा, हाँ पेमेंट तू अपने आप को दे दे। तो अजय सर आपके साथ अंजू सर भी प्रोड्यूसर हैं, और अभी तो उन्होंने बताया कि गुजराती के साथ ईरानी भी हैं। कभी ऐसा हुआ है अजय भाई ये कि आपके पास आते हो कि यार वो देखो जावेद जाफरी और अरशद वारसी भर भर के चिकन खा रहे हैं, बजट बढ़ जाएगा, ऐसा कभी हुआ है? चिकन आता था सेट पे। तूने खाया? सर आप सब लोग इतनी मस्ती धमाल करने वाले लोग हैं, ऊपर से अरशद भाई हैं फिल्म में, जावेद जाफरी हैं, मिश्रा जी हैं, तो सर ऐसा तो हो नहीं सकता कि फिल्म बड़ी चुपचाप से शूट हो गई हो, धमाल तो मस्ती काफी होती होगी वहां पे भी, तो कुछ कैसे किससे मजेदार कुछ सुनाओ सर। हम लोग गाना शूट कर रहे थे, यही पैसा ये पैसा हाय। अच्छा। पैसा तो उस गाने के शूट के दौरान अभी क्या होता है ना कि एक पूरा स्टार का जमा हो चुका है वहां पर, अब हो गई डांसिंग कि सब लोग मिलके नाचेंगे। अच्छा तो सब लोग अब कोशिश करें ये नाचेंगे वो नाचेंगे, और एक स्टेप थी करके दिखाते, एक स्टेप थी जो है कि तो पैसा ये पैसा हाय पैसा 1 2 3 तो ये था पैसा ये पैसा, तो अब कोरियोग्राफर था बोला कि सर क्या करना है, एक स्टेप राइट लेफ्ट शोल्डर अप डाउन, नहीं पहले सब ने सब प्रैक्टिस कर रहे थे। हाँ, तो ये भी सब लोग प्रैक्टिस ये स्टेप कर रहे हैं, देन अजय कम्स, अनिल 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 जी अनिल जी अनिल फर्स्ट 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 आ उस उसके पहले अनिल कम बैंड बजा दूंगा, बैंड बजा दूंगा सबकी, बैंड बजा कौन है गाना कैसे लग रहा है कैसा है, हम लोग यंग यंग हम लोग माइंड ब्लास्टिंग, कैसा स्टेप कैसा है स्टेप कौन सा है सर ये स्टेप है, मर गया मैं मर गया। ओके ये सब हो गया, सब रेडी देन अजय कम्स, क्या स्टेप क्या है? तो सर ये स्टेप है पैसा ये पैसा, मैं दो हाथ नहीं करूंगा। कोरियोग्राफर नो प्रॉब्लम सर आप एक हाथ से करिए। तो क्या करना है पैसा मैं शोल्डर नहीं करूंगा। नो प्रॉब्लम सर सर आप एक हाथ से करिए, वो सिर्फ ये पैर इधर उधर गए, मैं पैर इधर उधर भी नहीं करूंगा। एक्शन माधुरी मैम पैसा ये पैसा, अरशद मी जावेद जैसे स्टेप है वैसा, पैसा ये पैसा, अनिल कपूर पैसा। सो अजय गोस पैसा ये पैसा है पैसा ये। ये सब हो रहा है, ये सब बहुत अच्छा रहा इंदु जी, ये क्या हो रहा है? ये सब लोग अलग अलग स्टेप क्यों कर रहे हैं? तो रहे नहीं सर एक ही स्टेप है, अपने अपने स्टाइल से कर रहे हैं। वही चीज है सर, आप इतने सालों से इंडस्ट्री में, और जब आपका स्टाइल इतना पॉपुलर हो जाता है लोग देखना चाहते हैं, फिर अपने स्टाइल में आप जो भी करते हैं लोग आपसे प्यार करते हैं, सो स्टेप पे तो वो कोरियोग्राफर तो कराते हैं, मेरे साथ अहमद खान साहब एक बार करते बोले ऐसे कुछ था, तो मैंने किया, बोलते नहीं अच्छा नहीं है दोबारा करो, मैंने फिर दोबारा किया ट्राई किया नहीं हुआ, बोलते तुम्हारे लिए गलत है ये, मैंने कहा मेरा कुछ नहीं चल रहा, मेरा टीवी पे भी एक काम आता है, करियर आपका खराब होगा। मैं कोई सिंपल सा स्टेप दो, अब वो साथ में एली एवरम थी, वो बहुत अच्छी डांसर है, वो तो यूं बम 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 बोले बम बम, मैं होता है कई बार, पर ठीक है सर वही लव यू सर। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।